थार लवर, ये थार की पहले की तस्वीर लोगों ने बहुत ही लाइक किया, तस्वीर को नहीं थार को। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन थार ने एक नया गिफ्ट किया, थार ला रही है एक नई थार, थार ई। लेकिन क्या बात है थार ई में, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, जो थार ई होने वाली है ये इलेक्ट्रिक थार होने वाली है। तो आपको मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो इसमें मौजूद आपको आईसी मॉडल की तुलना में एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलने वाला है। तो चलिए इसके हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको गोलाकार कोनों के साथ चौकार एलईडी हेडलैम्प और एक चमकदार काली सीधी नोक मिलती है। थार ई की स्टील जो बम्पर है वो इलेक्ट्रिक कारों की जो भी है ईवी को एक मजबूत लुक देता है। बात आ जाती है केबिन की, तो मैं आपको बता दूं कि जो महिंद्रा का केबिन है इसके अंदर ही आपको थार ई के जो दरवाजे जो आपको पाइप डोर मिलने वाले उसको आप इसके अंदर बैठ के मोड को चेंज कर सकते हैं। यदि इसमें हम बात करें तो थार का कहना है, यानी कि महिंद्रा कंपनी वालों का कहना है कि इसमें आपको 75 धमनी मिलने वाली है। सभी बातें गीतकार और रहमान विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एसयूवी के अंदर आपको पानी की नली होगी जो ऑफ रोडिंग के बाद केबिन को पूरी तरह से साफ कर सकती है। कंपनी ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा नहीं दी है। तो चलिए बात करते हैं इसके पावर ट्रेनर की। सबसे बात ये आती है पावर ट्रेनर की, तो आपको बता दूं कि ये आपको 4x4 में मिल सकती है। यदि ये आपको 4x4 में मिलेगी तो इसमें आपको दो मोटर मिलेगी जो कि बहुत ही पावरफुल होंगी। तो यदि हम इसके और चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि लॉन्च डेट के बारे में, वैसे तो कंपनी कुछ भी लॉन्च डेट के बारे में नहीं बताया, लेकिन खबर आ रही है कि 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में लॉन्च की जा सकती है।